जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और कोतवाली चांदनी चौक के बाहर, जहां पर कारी ओवैस की हत्या कर दी गई थी। और यहां पर लोग पहुंचे हैं चांदनी चौक कोतवाली के अंदर, जहां पे ये मामला दर्ज है। और इस मामले के लिए लोग यहां पे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। लगभग 11:30 बजे का इस वक्त हो रहा है और लोग यहां पे पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। चलिए सीधे लिए चलते हैं कि यहां पे लोगों से क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है। चलिए बातचीत कराते हैं आप। हम देश के अंदर से तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मजलूम का आप साथ दें और जालिम को सज़ा दिलाने में आप हमारी मदद करें। मैं जमीयतुल उलमा सुबह दिल्ली का नायब सदर हूँ, और जिस रोज़ ये हादसा हुआ यानी कि परसों रात में, उसी वक्त से जमीयतुल उलमा सुबह दिल्ली इस पर निगाह रखे हुई थी, और जमीयतुल उलमा के खुद्दाम यहाँ पहुँचे हुए थे रात में। सुबह में इनका पोस्टमार्टम हुआ और लेकर के डेड बॉडी को चले गए। ये लोग बेचारे गम में डूबे हुए थे। आज सुबह में जब हम लोग आए, इनके पेरेंट्स से हमने, कारी ओवैस साहब के फैमिली मेम्बर से बात की, मौलाना महमूद मदनी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा हिंद के, उनकी हिदायत थी कि आप उनके फैमिली मेम्बर से कॉन्टेक्ट करके इस केस के अकॉर्डिंग मालूम करें कि किस स्टेज पर है ये केस। तो हमने मालूम किया और ये लोग, इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं यहाँ, तो आ गए। बहरहाल सुबह 10 बजे से SHO साहब, पहले एडिशनल SHO से हमारी बात हुई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद SHO साहब आ गए। SHO साहब से हमने ये पूछा कि SHO साहब, लोगों का कहना ये हो रहा है कि हमारे पास में गवाह मौजूद है और उसके बावजूद भी आपने 302 का मुकदमा दर्ज ना करके 304 का मुकदमा किया है। तो SHO साहब ने साफ ये कहा कि नहीं, कोई विटनेस नहीं है। तो हमने कहा कि अगर हम आपको विटनेस दे देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा कि आप लाइए विटनेस दीजिए। तो ये आप लोगों का काम है या पुलिस का काम है? नहीं, हम हमारे पास में जो, चूंकि मैं इस वजह से कह रहा था कि चूंकि कारी ओवैस साहब जो है, जब सफ़र कर रहे थे दिल्ली से, तो वो अकेले नहीं थे। कुछ लोगों ने ये बात फैलाई कि कारी ओवैस अकेले थे, जबकि वो अकेले नहीं थे। वो उनके साथ में दो साथी उनके और भी थे। जब ये दोनों साथी वहाँ पर उनके साथ में मौजूद थे और जब लड़ाई शुरू हुई, तो डर और खौफ की वजह से उनके दो साथी भाग गए और कारी ओवैस साहब फंस गए उनके बीच में। अब सवाल ही आता है कि एक आदमी को जान से मार दिया जाए और फिर हमारे SHO साहब ये कहें कि कोई विटनेस नहीं है। सबसे बड़ा विटनेस ये है कि वो इंतकाल कर गए, और दूसरा ये है कि आई विटनेस जो उनके दो साथी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मेरे सामने मारा है, 20-25 आदमियों ने मारा है मिल करके, और यहाँ तक कहा गया है, जो अभी इन्होंने कंप्लेंट ली है बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद करने के बाद 3 बजे इन्होंने हमसे कंप्लेंट लिया। कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की ये लापरवाही है। और मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो कंडीशन में हम लोग यहाँ बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि रात के अब 10 बजने के लिए जा रहे हैं, 10:15 हो गए, अभी तक जो है 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि SHO को भी अथॉरिटी है, ये DCP के परमिशन से SHO साहब जो है वो 302 का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आपने FIR दर्ज किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपके सिपाहियों ने जाकर के वहाँ उस जगह का मुआयना किया। इस प्रोटेस्ट को आप कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक ये जंग जारी रहेगी? क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है, ऐसी लिंचिंग होती है, तो हम लोग कुछ दिन प्रोटेस्ट करते हैं जी, और फिर कुछ दिन के प्रोटेस्ट के बाद में एक और लिंचिंग हो जाती है, तो हम पिछले प्रोटेस्ट को भूल जाते हैं, पिछली लिंचिंग को भूल जाते हैं। तो इस बार क्या इरादा और क्या उम्मीद करी जाए? नहीं, हम इसको जो लीगल वे में जो भी हमसे हो सकता है, हम अभी शांतिपूर्वक अंदाज में बैठे हुए, ये हमारा अधिकार है, हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और अगर किसी वजह से इन्होंने ज़बरदस्ती हमें भगाने की कोशिश भी की, चूँकि ऐसा होगा कि पुलिस जो है सो हमें टॉर्चर करेगी, भगाने की कोशिश करेगी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हम थाने के सामने बैठ करके ही अपना अधिकार मांग सकते हैं, बल्कि हमारे सामने CP साहब मौजूद हैं। हम दिल्ली के अंदर रहते हैं और CP साहब का ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इससे पहले जो अधिकार मांगने की बात थी, तो इस बार अधिकार मांगना है, अब से पहले जो घटनाएं घटी हैं, क्या उन्हें भी इंसाफ मिलने की उम्मीद करी जाए इस बार? नहीं, अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि एक कम्युनिटी के साथ में किस तरह की नाइंसाफी हो रही है, और नाइंसाफी की बुनियाद पर इंसाफ की अपील करना हम छोड़ दें, ये अकलमंदी नहीं है। हम हमेशा इंसाफ की दुहाई देते रहेंगे, उनको अपना हक मांगते रहेंगे, अगर वो नहीं देते तो वो इनका इख्तियार है। आखिरी 10 सेकंड के अंदर जो देश के अंदर इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम देश के अंदर से तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मजलूम का आप साथ दें और जालिम को सजा दिलाने में आप हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया, माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ जो मेन मकसद है इनका, कि यहाँ जो पटरी लगनी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी,
कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल इन्होंने पुलिस ने यहाँ साफ दिखा रखा है कि यहाँ कोई पटरी नहीं लगती है और ये अवैध पटरी लगी हुई है, वैध नहीं है वहाँ पर। इसलिए जो है ये अपने आप को जो है हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और वहाँ जब पटरी लगती है तो वो छीना झपटी का काम होता है, आए दिन का काम है रोज। जिस तरीके से यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो आपका क्या मानना है कि पुलिस ने 304 का मुकदमा भी लगाया है, तो आप लोगों की क्या राय है और किस लिए आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 304 लगाया है, बिल्कुल गलत लगाया है। ये 302 का मुकदमा है और उसको इन्होंने जान पूछ के बच्चे को उसको मारा है इन्होंने, और मारने के बाद में उसके बाद में फिर ये उसको ख़त्म कर दिया उसको बिल्कुल। ये और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है यहाँ का, तो जो कि एक मशहूर स्टेशन है इंडिया का, और यहाँ तो लोग आने से और भी कतराएंगे कि इस तरह के अगर यहाँ हादसे होंगे। कितने लोग पहुँचने की उम्मीद करी जा रही है? अभी कम से कम 400-500 आदमी तो यहाँ मौजूद हैं अभी जी। और यहाँ पर दिल्ली आने पे लोग घबराएंगे इस तरह के, अगर स्टेशन पे मेन ये हिंदुस्तान का हमारे मशहूर स्टेशन है, अगर ये इस तरह के हादसे यहाँ होंगे तो लोग पब्लिक आएगी नहीं, आते हुए घबराएगी। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से हमारी ये अपील है कि इसमें 302 जल्द से जल्द इसमें लगा के उन पर 302 लगाई जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।